अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो हाँ जी, हम चलते हैं अपने बाबा के पास और उनके पास बैठते हैं और देखते हैं कि वो अपने बचपन के बारे में ना हमें क्या बताते हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं, देखते हैं। बेटा, बचपन गुजरा बहुत अच्छा। बड़ी बेफिक्र जिंदगी होनी सी। वालदैन ने जिंदगी दे विच इंसान जी नशन मा पाना है, वह बड़ी अजीब जी जिंदगी होनी है। मिगी याद पैना है भाई, देहाती जिंदगी सी साड़ी ग्राम विच, ते मैं अपने आप की घर विच पाया ते सिर्फ वाल साहब के नाल पाया। वालदा मैं नहीं देखी। अच्छा, घर ने वाल साहब स्कूल दाखिल कराया, कदू कराया मुझे को नहीं पता। बाद स्कूल जान लग पे आन लग पे ते घर ने घरेलू माहौल इस तरह होना सी, जाती जी ऐसी कंडे शंडे कप के आने बाहर दरख्त जलान वास्ते। अच्छा, एक दफा मिकी शौक पे आप मैं कंडे के नच जी। अच्छा, जलान वास्ते ते अच्छा वाल साहब की मैं आखिया भी मैं जासा कोई कंडे आन सा। उन्हें आखिया जाना तो जा पर बहुत दूर ना जाई। साढ़े कोल एक तकरीबन मील एक फासले पर एक पहाड़ी सी। अच्छा, मिकी उन्हें कुहाड़ी दीती। अच्छा, ते मिकी आखिया ने भाई बुनु बुनु बूटे होने पलाई ने जी जी, और बुनु बुनु मतलब है कि उन्हें की तराश के दरख्त ने जड़ ना लूं जी जी, ते वो कंडे बना के जान थोड़ा तकी ज्यादा ना पार बना के नहीं जड़ा जा ना सके। अच्छा, उसे लोग माड़ी उम्र उसी तकरीबन अंदाजा है कि 7-8 साल। अच्छा जी, वो कुहाड़ी की थी तो मैं राह पिया टुरना टुरना जनाब मन उठे पहाड़ी पर चला गया। उठो जाके एक बूटा तकिया पौधा एक तकिया जनाब पलाई ना नॉर्मल जैसे, लेकिन मैं लालच की थी अपर तकिया तो मैं खिंचा एक इंसान है। ओ बूटा मैं जड़े चुका मारिया। अच्छा, मुझे उन शौर को नहीं इस गल ना भाई ये जमीन किसे नहीं है, पौधा किसे ना है, वो कीमती कोई अहमियत रखना है या को नहीं मारे कदम चाहिए है भाई बूटा है बस कब के वो मैं कट के दा छपना सा प्यात है अपरू मालक उस जमीन वो उन्होंने मालिक जमीन जरा सी वो आ गया तो उसमें देखा बूटा कब सटा तो उन्हें क्या भाई निकिया थोड़े घर कुछ मैं फलान जगह थ्रुकटान। अच्छा, कहन लगे किसना पुत्र है? मैं क्या जी फलान आदमी ना दसा अपने वाल साहब ने। अच्छा, ताने यारा तू किता बड़ा गलत है भाई, माड़ी 7 रुपये नी पलाई तू जाया कर सकते। अच्छा, 7 रुपये नी पलाई बड़ी कीमती उस जमाने में। अच्छा, 7 रुपये बड़े होने से जी उन्हें मिकी कुछ ना आख्या। तो उन्हें आख्या हूं तू अपने तू ज्यादा भार बना के दा। अच्छा, ये तू चाहे किस तरह से ठप से किस तरह से तुआड़ी से समझ बूझी को नहीं। तो पहले तो गल है कि बूटा हमेशा बालन बनाना हो तो दरख्त ने बड़े बुन शाखा फुटिया होनिया जी जी नवियां जी, वह तुसा कप के तो अपना जरूरत पूरी करो। तो तुसा तू ये कम बड़ा गलत किया। बड़ा चल हूं चाह ठप ते वो मैं बूटा सीधा हाथ मारन लग पे उसकी कट्ठा करन लग पे। तो उन्हें आख्या बड़े चंगे लोग सुना फिर उसकी मैं कुछ बदला जनाब मन औखा सौखा होके, लेकिन बच्चा सा इतने सूझ बूझ तो नहीं सी।
बहरहाल मैं औखा सौखा चाह के ते उत्थों टुर पिया। अच्छा। रस्ते बिच जाने हो एक साहब उन्हें भी कंडिया ने बड़ी लद जिहड़ी है वजन चाहिया सी। अच्छा। ओ उन्हें तकिया ते भाई बच्चा ते वजन इसना गैर मुहार है। अच्छा। ते उन्हें मिकी आख्या सट इसकी गुण लद उन्हें अपने भी सटी माड़ी भी सटी सही। मैं अपनी सटी जनाब उन्हें फिर मिकी ठपक दिता। वो साहब जेड़े सुन सही। मेरे वालिद साहब ने शगिर्द सुन कुराने पाक ने। अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने कुराने पाक उन्हें को पढ़िया सी। अच्छा। उन्हें तकिया भाई उन्होंने वो सही तरह लद ठपक है ऐसे प्यारे अंदाज में उन्हें ठपी ते मिकी चुआई जनाब ते माड़े की पता ही ना लगा भाई को मैं वजन चाया है या नहीं चाया। सही है। बड़े आसान तरीके ना बैलेंस की थी ना। ठीक है। बैलेंस उन्हें करके दिता मिकी। फिर उन्हें अपने जनाब में मैं खलो गया एक पास है तो उन्हें फिर अपनी लाद चाई बड़े आसान तरीके ने उन्होंने सुख चा दी। लेकिन वो बड़े सुनमा छोटा सन माड़े की तो उन्हें चुवाई तो उन्हें करना चाह अपर आए हैं वो नीवी जी जगह सी कसी जी पैनी सी अपर चढ़ाई च आए तो अगे वालिद साहब तक लगे अच्छन पे ते वो परेशान हो गए देर हो गई है उधर माड़े की उधर इस चीज लगा रहे हैं ते उन्हें तो क्या तो परेशान हो गए उन्हें आख्या वो तू आडे कंडे तू तो आंदे न ते बिच मुंडी भी दिती आ ते मैं चाहे कि ना तू भी कुछ आख्या सी मतलब तुसन बूटा जाया कर रहे हैं। मैं आख्या जी बूटा तो जाया किता ही है ते तू कुसे पुछया पालिया नहीं। मैं आख्या पुछया मालक अपनू आ गया सी ते कि मैं दस्या भाई उस पुछया कुछ ना कुछ रहना है। मैं आख्या फलानी जगह मैं अपना तुसा ना नाम दस्या तो आना चलो ठीक है उसने की बन के मार के चुआया फिर अगर आया तो फिर फलां साहब मिले सुन तो उन्हें दोबारा मिकी बन के दी तो हूँ माड़े की वजन कौन है वो आखने मिकी चुआ भाई मैं चार करना। मैं कह नहीं मैं हो जा और बस फिर असं दो बाप बेटा घर आ रहे हैं तो घर आ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।